आज सावन का सोमवार है, पांच सोमवार का आपको स्मरण मालूम होगा। सावन के कई बार चार सोमवार पड़ जाते हैं, कई बार पांच सोमवार पड़ जाते हैं। पांच सोमवार का आप लोगों ने तो सुन रखा होगा ना, पांच सोमवार की महिमा क्या है, सावन के महीने के पांच सोमवार की महिमा क्या होती है। तो कहा अगर पांच सोमवार सावन के महीने में पड़ जाते हैं तो शिव पंचायत का पूरा पुण्य एक शंकर पर जल चढ़ाने से पूरा फल प्राप्त हो जाता है। शिव पंचायत श्रावण का पहला सोमवार होता है शिव तत्व का, श्रावण का दूसरा सोमवार होता है देवी तत्व का, माँ दुर्गा माँ भवानी। आप लोगों ने शिव पंचायत शिव महापुराण की कथा पहले बाची आप लोगों ने सुनी होगी, उसमें शिव पंचायत का वर्णन करा था। पांच देव शंकर भगवान स्वयं पंचदेवों में प्रथमता प्राप्त कर बैठते, माँ दुर्गा भगवान नारायण शिव पंचायत में, भगवान भास्कर देव और स्वयं भगवान शिव के सुंदर आनंद धारण करने वाले श्री गणेश पंच। अब प्रथम में शिव दुर्गा नारायण भास्कर देव गणेश जी ये सब भगवान शिव की पंचायत के अंतर्गत विराजमान होते हैं और ये पांचों सोमवार का फल हमें प्रदान करते हैं। पांचों सोमवार एक एक सोमवार की महत्वता है, एक एक सोमवार का क्रम है। कई माताएं उस क्रम को धारण भी करती हैं, ऐसा नहीं कि कई माताएं नहीं करती हैं, सबका अपना अपना नियम होता है। कोई शिव मंदिर में जाता है तो एक अक्षत एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो एक पुष्प शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो जल समर्पित करता है। सबका अपना अपना भाव है, जैसे तुम शिव को मना सकते हो। जैसे यहां भगवान शंकर को ही जा सकते, शिवलिंग पर शंकर भगवान के शिवलिंग में तीन जगह ऐसी है जहां पर पुष्प या इत्र या बेलपत्र या सुगंधित पदार्थ भगवान शंकर को समर्पित करा जाता है तो रोग से निवारण होता जाता है। तीन स्थान समझेंगे, ये शिवलिंग जलाधारी अशोक सुंदरी का स्थान मध्य में, इधर गणेश का स्थान, इधर षडानंद कार्तिकेय का स्थान। तीन स्थान है जहां पर बन सके। अगर आपको लगता है कि मैं जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास जा रही हूं और डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी तुमको लगती है तो जांच कराने जाओ, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जितनी रिपोर्ट होना आना चाहती आए, पर उससे पहले अगर तीन जगह पर इत्र समर्पित कर दिया जाए, इत्र हो या सुगंधित कोई पुष्प हो, इत्र या सुगंधित पुष्प, तीन स्थान पर अगर इत्र समर्पित किया जाए तो वो स्थान और इत्र समर्पित कर आप जाओ, फिर जांच कराओ, मना नहीं, पर वो तीन स्थान बताएगा। पहला स्थान अशोक सुंदरी और भगवान शंकर का जो शिवलिंग रखा है उसके बीच में, जो अशोक सुंदरी और शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच में एक जगह खाली पड़ी रहती है, अशोक सुंदरी का स्थान पूर्ण होगा, शिवलिंग होगा, उसके बीच में एक स्थान खाली होता है। उस स्थान पर अगर जिस समय पर भगवान शंकर के जिस अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो स्थान है वहां पर अगर इत्र लगाया जाए, दूसरे नंबर पर शिवलिंग के ऊपर से लेकर नीचे के मध्य भाग में, जहां मध्य भाग है ये शिवलिंग, ये नीचे का भाग और मध्य भाग में अगर इत्र लगाया जाए, और तीसरा भगवान शंकर का
जो जल नीचे की ओर गिरता है, जहां जो पट्टी रहती है पानी नीचे आने की, उस पट्टी पर अगर इत्र लगाया जाए, ये तीन स्थान इत्र लगाने के होते हैं, अगर वहां लगाया जाए तो कैसा भी रोग हो आपकी जांच अच्छी ही आएगी, बेकार नहीं आ सकती। आप कितने ही करा ले उसको, एक शंकर भगवान के शिवलिंग का तीन जगह पर इत्र या तीन जगह पर सुगंधित पुष्प लगाया जाए। जब आप लोग अभिषेक करने बैठते हैं या पूजन करने बैठते हैं या शंकर जी के मंदिर जाते होंगे, कौन कौन जाता है शिवालय? सभी लोग जाते हो, बोलो हर हर महादेव। शिवालय जाते हो तो शिवालय में जाकर जब आप इत्र चढ़ाते हो भगवान पर, यहाँ इत्र लगाया आपने, फिर यहाँ पर भी लगा देते हो, यहाँ पर भी लगा देते हो, यहाँ पर भी लगा देते हो, सब दूर इत्र लगा देते हो। जो समझदार होता है ना वो सभी दूर इत्र लगा देता है, और कई कई ऐसे रहते हैं जरा सा इत्र लिया और रुई में लेके एक जगह पर रख दिया, फूल में लेके एक जगह पर रख दिया, पर पूर्ण जगह पर इत्र लगा दो, बाबा के पूर्ण स्वरूप पर इत्र लगा दो। आपको नहीं मालूम है ना यास, आपको नहीं मालूम कि तीन जगह कौन सी है, तो आप पूर्ण स्वरूप पर इत्र लगा दीजिए, पूर्ण स्वरूप पर। वेद मंत्र में त्र्यंबकेश्वर का बाबा का मंत्र, मां मृत्युंजय मंत्र, वेद मंत्र का बड़ा सुंदर मंत्र, जिसका हम उच्चारण पूर्ण रूप से नहीं करते हैं व्यासपीठ से, उसको हम मंत्र को मन में गुनगुनाते हैं। एक बार आप भी बाबा के मंत्र को मन में गुनगुनाइए, भगवान शिव का त्र्यंबक मंत्र का स्मरण करें, और नहीं कर सकते तो पंचाक्षर करें नमः शिवाय, नहीं कर सकते षडाक्षर करें ओम नमः शिवाय, नहीं कर सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। आपको नहीं किया तीन जगह का वर्णन, यहां तक शिव कथा कहती है। ये जो कई लोग कहते हैं हमारे कोई बच्चा जन्म से जो होता है ना, और कई बच्चे ऐसे जन्म से होते हैं जिनकी बुद्धि विकास नहीं कर पाती है, डॉक्टर कहते हैं ये बच्चा अन्य बच्चे से 2 साल 4 साल 3 साल 6 महीना पीछे चलेगा। अब माँ सोचती है मेरा बेटा 2 साल 4 साल 6 साल पीछे अन्य बच्चों से, हाँ तब उस जगह पर शंकर भगवान के शिवलिंग अशोक सुंदरी की जगह और मध्य का जो खाली स्थान है, मध्य का जो स्थान बचा हुआ है वो स्थान। कई बार लोग कहते हैं गुरु जी ये पार्वती जी है, ये शिवलिंग है, ऊपर जो जलाधारी में से जल बह रहा है, शंकर जी की 5 लड़कियां हैं जया विशहरा शामली बारी दौतली देव, ये अशोक सुंदरी, ये गणेश कार्तिकेय का स्थान, जो बीच में अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जगह है वो स्थान किसका है? शिव पुराण में इसका लिंग पुराण के अंतर वर्णन आता है कि वो स्थान भगवान शंकर की जो जितनी सती उमा कात्यायनी कुष्मांडा स्कंदा जितनी महागौरी जितनी माताएं पूर्व में रही हैं, इन माताओं का स्थान शंकर ने यहाँ रखा है, और वो स्थान ऐसी जगह है अगर कोई बच्चा कितना भी पीछे, डॉक्टर कह दिया इसको कि ये अन्य बच्चों से 2 साल पीछे अन्य बच्चों से 4 साल, इसका विवेक काम नहीं कर रहा, एक छोटी सी बेलपत्र को उस स्थान पर अशोक सुंदरी की ओर डंडी कर उस स्थान पर छोटी सी बेलपत्र को रखिए, और 3 बार उसी स्थान पर जल समर्पित कर वही बेलपत्र बेटे को लाकर बच्चे को वो खाए ना तो पीस कर कैसे भी उस बच्चे को धीरे धीरे देना चालू करिए। आप
खुद अंतर देखेंगे कि 3 महीने 4 महीने में उसका विवाह, उसके विवेक में, उसकी बुद्धि में अंतर आया कि नहीं। वो स्थान की मूलता, वो स्थान की मूलता।